मासूम सर, मैं डीपी धनखड़। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। यहाँ पे तो कुछ दिखता ही को नहीं, वहाँ पे भाई चमगादड़ है, फट जाएगी रात को कोई आए तो। वहाँ पे कोई है भाई, डर लग रहा है, गुम हो गया ना भाई। सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज है एक नया दिन और एक नई शुरुआत, और इसी के साथ करते हैं एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत, वो भी आपके साथ। सो आज है संडे और छुट्टी है, जैसे कि देख रहे हो मैं तैयार हो चुका हूँ। बाकी सभी घर वाले पता नहीं कोई कहीं पे गया, कोई कहीं पे गया, तो मैं क्यों घर पे रहूँ। सो मैं भी कहीं पे घूमने जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ मैं गुजरी महल, वहाँ पर दो फ्रेंड और मिलेंगे। सो देखते हैं क्या करते हैं वहाँ पे, मिलते हैं आपसे सीधे गुजरी महल में। ये एंट्री है भाई यहाँ से, और वहाँ से वो बस स्टैंड है, वहाँ पे बस स्टैंड के बिल्कुल मतलब थोड़ा सा साइड में जाके ये लाट की मस्जिद, ये भी अंदर ही है भाई। पहले पूछ लेते भाई खुला है या नहीं है। मैं तो पहुँच गया हूँ भाई यहाँ पे, एज यूजली भाई सभी लेट है, मैं पहुँच गया हूँ पहले। कम से कम 5 से 7 मिनट तो हो गया मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े, अभी तक कोई नहीं आया। इधर भाई ये पेड़ की छाँव थी, सो यहाँ पे बैठ गया हूँ। वहीं पर वो गेट है जहाँ से एंट्री होती है, और वहाँ पे वो गेट है, वहाँ पे जो बैठा है ना भाई, वहाँ पे आधार कार्ड लेके एंट्री करवानी पड़ती है। आधार कार्ड के बिना कोई एंट्री नहीं होगी भाई, सो आधार कार्ड जरूर लेके आए। ये मुसाफिर भाई आ गए हैं भाई, क्या हाल है? लगा ले बाइक वहाँ पे लगा ले। क्या नाम है भाई? किशन नाम भाई है। किशन, किशन नाम है, क्या काम करते हो? ऑटो चलाते हो? अच्छा, ऑटो चलाते हो भाई, चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है। यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, सो भाई ने यहाँ का सोल्यूशन बताया कि भाई सामने जो बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड पे आप पार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, कितने लोग आते हैं, किस किस की बाइक खड़ी करेंगे, यहाँ पे इतनी पार्किंग है नहीं। सो भाई ने बोला था कि भाई सामने जो बस स्टैंड है ना, मैंने दिखाया था, वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। तो भाई ये कुछ एंट्री है यहाँ की, और यहाँ पे साइड में ही छोटा सा ये पार्क भी मिल जाता है, वहाँ से एंट्री होती है, सामने ये मेन एंट्री है। सो फैमिली यहाँ पर मतलब इसका जो इतिहास है ना, वो लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट मतलब वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा यहाँ पे। अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे जो देख रहे हो भाई, ये तहखाने हैं, यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। सो फैमिली है, कुछ फ्रेंड्स मिले हैं भाई, कुछ हाँसी से है, कुछ मतलब आसपास के एरिया से है। ये भाई मतलब म्यूजिक वीडियो जो आप देखते हो ना, हरियाणवी वीडियो, उनको शूट करते हैं। ये भाई डायरेक्टर है, और अब भाई मैं राइटर हूँ भाई, सॉन्ग राइटर। राम राम भाई, सारे भाई ना, दुर्गा प्रणाम, मैं आपका अपना मोहित भैया। तो भाइयों, भैया का चैनल ना भाई ने सपोर्ट कराया करो, आप सही बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो ले आवा है, अलग अलग जगह जगह पर जाकर दिखावा है, आपका देखने जी भी करा, फिर आपका भी जी करा, आप पर जानना। तो भाई सपोर्ट करा करो, आप पत्र इतनी नई नई चीज लिया है। अपना भाई राम सेन बागपुरिया, और भाई डीओपीआर काम करता हूँ, साथ साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। देख लो भाई, मतलब छोटी सी उम्र में भाई साहब अपना काम संभाल रहे हैं, मतलब अपने घर संभाल रहे हैं। हमारा तो क्या है, हम तो बस वैसे घूमने आ गए। ये भाई देखो, आपके लिए कितना सुना घूम रहे हैं कि भाई आपको पता चलेगी कहाँ पे क्या है, कितना अच्छा अच्छा मतलब दिखा रहे हैं आपको। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपके मतलब आपके आसपास भी आए तो पता चले भाई को। बढ़िया है, लाइक कमेंट शेयर, नई नई चीज आप तक पहुंचती रहो है टाइम से। तो आप देख रहे हो बहुत ज्यादा धूप हो रही है भाई, आप खतरे से मेहनत करें। धूप में देख लो भाई, पसीनों में तड़प रहे हैं जमा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। एक दो गाना के नाम और बता दो भाई, कौन कौन से? जैसे भाई अपना भाई थारा गुंडा, कबूतर सॉन्ग पे तो सबने डांस कर रखा होगा, बिल्कुल सबने। भाई थारा गुंडा, चावल, डीपी धनखड़ जी, वो अपने बड़े भाई हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। और मासूम सर मैं भाई, वो अपने गुरुजी के साथ रहते थे। स्ट्रगल चल रहा बड़ा भयंकर वाला, कोई बात नहीं भाई, कामयाब होंगे भाई जरूर। हमसे ज्यादा ब्लॉगर भाई होते हैं ना, उनका स्ट्रगल होता है भाई, बिल्कुल। चलो भाई, मिलकर अच्छा लगा भाई, चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, सबने ओके ओके भाई, ठीक है बड़े भाई। सो भाई उस तरफ जाएंगे ना, देखो वहाँ से एंट्री होती है, वहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे तहखाने हैं, यहाँ पे भी तहखाने हैं, यहाँ पे मतलब अंदर गुफा है, अंदर ही अंदर मतलब काफ़ी बड़ी सारी है, वो भी दिखाएंगे। और उस तरफ जाते ही भाई लाट की मस्जिद है, वो भी वो हम आपको आते तरफ दिखाएंगे। ओके, ये हिसार में ही है, हमको तो कई बार बिलीव भी नहीं होता, और कई लोगों को तो पता भी नहीं होता भाई कि हिसार में ऐसी कुछ जगह है। नाम पता होता बट कभी वो गए नहीं होते, उनको पता नहीं होता भाई यहाँ पे घूम भी सकते हैं, यहाँ पे एंट्री होती है या नहीं होती है। सो देख लो भाई, मतलब उस ज़माने में ये पत्थर देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं, और उस ज़माने में तो ना तो कोई भाई जैसे जेसीबी वगैरह या क्रेन वगैरह होती थी, तब भी भाई साहब ये दीवार देखो कितनी मोटी है। देख सकते हो भाई इतनी मोटी दीवार उन्होंने कैसे बनाई होगी, मतलब पत्थर, मजदूर, पहले कितने लोग मेहनती होते थे भाई साहब। जो पुराने स्ट्रक्चर है ना भाई, मैं उनका फ़ैन हूँ, जो पुराना आर्किटेक्चर है, मेरे को ऐसे ऐसे जगह में घूमने में भाई बहुत मज़ा आता है। और भाई यहाँ पर मुसाफिर भाई तो अंदर चले गए हैं, एक यहाँ से रास्ता है और एक आगे से रास्ता है, हम कहाँ से चले।
भाई साहब यहाँ पे वो क्या कहते हैं चमगादड़ भी है, सो डर लगता है भाई चमगादड़ से, वैसे तो कुछ है नहीं ज्यादा खास, रास्ते भी देख लो भाई। सो भाई ये रास्ता है, चलो देखते हैं कहाँ जाता है भाई। डराइयो ना भाई, रखो इस आग के साग है। ये देखो भाई यहाँ से मतलब इतनी बड़ी बड़ी जगह है भाई, आप समझ सकते हो भाई इतनी मतलब बड़ी बड़ी मतलब मोटी मोटी दीवारें हैं, और इसमें जब गर्मी आती, गर्मी का सीजन आता हो तो भाई कितनी गर्मी पड़ती होगी, उससे बचने के लिए देखो यहाँ पे जाली लगाई हुई है, यहाँ से हवा आ रही है भाई ठंडी ठंडी। अभी आगे चलते हैं भाई। ओहो मेरे को तो डर लग रहा है। एक और दिक्कत भाई, तो उस जमाने में यार कितने बड़े बड़े लोग होते होंगे, तो उस जमाने में तो भाई 6-6 फुट के मतलब 6.5-6 फुट के लोग होते थे, सो कैसे जाते होंगे यार। अभी चलते हैं भाई आगे। ओके वो दोनों तो आगे निकल गए भाई, ये रास्ता ऊपर मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, भूल भुलैया टाइप में भाई। वो दोनों तो आगे निकल गए, मेरे को लग रहा है डर एक्टिंग कर रहा हूँ इतना भी डर नहीं लग रहा। ओके भाई यहाँ पे रात को आने में ना फट जाएगी, रात को कोई आए तो। यहाँ पे भी है देखो, यहाँ से एक रास्ता ऊपर है और एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है, एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे कोई है भाई, मेरी परछाई है क्या वो सामने देख रहे हो, मैं डर गया था भाई। ये देखो हाँ यहाँ पे हूँ भाई, कहाँ गया, तेरी आवाज तो आने लग रही है डर लग गया था, ये गुम हो गया था भाई मुझे फिर जीत अपना। अरे ये तो खाना ही है, यहाँ पे जेल है थी, रखते थे कैदियों को, ध्यान से नीचे से कभी हाथ आ जाए और पकड़ के ले जाए कोई। यहाँ पे भाई परछाई लग रही है, मुसाफिर जीत भी डर गया भाई, मुंह तो सेट डर तो नहीं लग रहा, डर लग रहा है, ये तो डर गया भाई, चमगादड़ की आवाज तो आ रही है, सोच कोई रात को आए तो भाई मर जाएगा, दिन में ही डर लग रहा है। मैं यहाँ पे पहले आया हुआ हूँ, 8वीं क्लास में था जब, तो मतलब छोटे छोटे थे, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, उसको छोड़ के यहाँ पे आए थे भाई साहब। उस टाइम बताऊ यहाँ पर ऊपर इतने चमगादड़ थे ना भाई क्या ही बताऊं, वो भाई तू ना डरा तू भाई। अरे एक्टिंग कर रहे हम, डर नहीं रहे यार, मोहित गुम हो गया हमारे साथ भाई, मोहित भाई भी आया था, वो पता नहीं कहां गुम हो गया भाई, इसको देख के वो कौन से नाटक आया करते रहे, स्टार उत्सव पे भी आया कौन करते, आप भी थे आया करता, वो विकराल बिताल आया करता, उस तरफ से आवाज आ रही थी भाई चमगादड़ है वहाँ पे, पूरे ये रहा चमगादड़ यार भाई के देखो पसीना डर के मारे, गोलियां खा रहा हूँ ना भाई इसलिए आ रही है ये मुसाफिर जीत तो क्या भाई ये डर गया भाई यहाँ पे, मतलब दूर से देखने पे लग रहा था भाई यहाँ पे चमगादड़ है, नहीं है चांदना आ गया भाई, ये बनाया कैसे हुआ यार, आर्किटेक्चर सोच, इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे उठा के लेकर आए होंगे। हाँ यार और देख किससे कैसे देखो एडजस्ट करके ना, और मतलब 1600 ईस्वी में बनाया था, अब तक ये स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है भाई, ये सब 8वीं क्लास में भाई वहाँ पे गए थे। वहाँ पे भाई चमगादड़ है, आवाज आ रही है वहाँ पे, आग गए यार वो है। चलो छोड़ दो यार, मेरा पैर ठीक होता तो चला जाता, अगर पीछे भाग गए तो भागा भी नहीं जाएगा, और भाई नहीं चाहिए देखो ये ना रेत वगैरह पड़ा हुआ है, तो इस पे भागा भी नहीं जाएगा। वहाँ पे भाई चमगादड़ ये डर गया भाई छोटू, मतलब आर्किटेक्चर काफी मस्त है ना देखने में भाई, मजा आता है ऐसी जगह। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पक्का है, वहाँ पे ना भाई पीछे सारा कच्चा था, अभी आपको दिखाते हैं बाहर, यहाँ पे भी ये भी तखाने थे देख। सो भाई देख सकते हो अभी तो ये खंडर हो चुका है, टूटा फूटा है, बाकी जब ये मतलब जब ये अपने पीक पर होगा भाई तो कितना मतलब कितना सुंदर लगता हुआ है ना भाई साहब। अभी अपना जो तीसरा भाई बंदा था मोहित, वो तो अलग ही हो गया था, और ऐसी ऐसी जगह पे मतलब वैसे मेरे को तो पता है यहाँ पे ऐसे कोई खतरे वाली बात है नहीं, बट फिर भी भाई लगता है डर यहाँ पे। सो ये कुछ यहाँ पे लोकेशन है, वहाँ से भाई अभी आए थे, वहाँ से यहाँ पे सीधे आ सकते थे, और अभी वहाँ पे आके जाएंगे, और मोहित भाई वहाँ पे वहाँ से आ रहे हैं।
सो अभी ऊपर चलते हैं अपन, वहाँ जाएंगे धीरे धीरे। यहीं से मतलब भाई कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ से ऊपर जब भी जा सकते हैं, वहाँ से नीचे का भी रास्ता है और एक वहाँ से रास्ता है। सो वहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई यहाँ पर नीचे जो है ना सारी मतलब जेलें थी, यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। कहाँ रह गए थे मोहित भाई? मोहित भाई कहाँ रह गए थे? अरे यार नीचे गुफा में गुम हो गया था भाई। कल्ला तो मैं भी घूम रहा था, तू आ गया पीछे से। ये मुजाहिद भाई अपने पोज दिलाते हुए मोहित भाई को, बाकी आप आ चलते हैं नीचे। यहाँ पर तो भाई चलने में भी डर लग रहा है, उबड़ खाबड़ है ना, और मेरा बैलेंस आपको पता ही है माशाल्लाह जबरदस्त है। सो भाई इतने वो आ रहे, एक स्टोरी भी बता देता हूँ। ये जो किला है ना भाई, जैसे ताजमहल प्यार की निशानी है, सो भाई ये हिसार का ताजमहल कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि भाई ये जो तुगलक फिरोज शाह तुगलक था उसको यहाँ पर एक गुजरी मिली थी, उससे प्यार हो गया था, सो उससे शादी कर ली थी, तो फिर उसके मतलब स्मृति में उसने ये बनाया था भाई, इसका नाम फिर गुजरी महल पड़ा था। तो इसकी स्टोरी ये है, सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी बना रखी है। सो पहुँच चुके हैं भाई फाइनली नीचे, पहाड़ उतर लिया, और ये देखो यहाँ पे ये तहखाने हैं भाई। सो सारे ये तहखाने वाला एरिया है, यो ऊपर भी थे हाँ, ये सारा ही तहखाने वाला एरिया है। बाकी मैं आपको इतने दिखा देता हूँ यहाँ का एरिया। एक बार सुमित और मैं आए थे भाई यहाँ पे, सो उस टाइम मैं ठीक था, तो वहाँ से मतलब वहाँ से ना उतर के नीचे ऐसे आए थे। सो अभी चलते हैं भाई यहाँ पे, यहीं से घूम के उस तरफ चल पड़ेंगे। सो फिर से भाई साहब गुफा में एंट्री दे चुके हैं हम। ये सारी मतलब भाई इंटरकनेक्टेड है, सारी की सारी A to Z इंटरकनेक्टेड है। अपन वहाँ से आते ना तो भी यहाँ पास आते थे। ओ भाई ये नीचे वाले यहाँ पे तो कुछ दिखता ही को नहीं भाई। हैं ये देखो यहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ है भाई, यहाँ पे शायद गुफा होगी। गुफा बंद किया हुआ देखो रास्ते। ये देखो भाई जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अभी यहाँ से भाई पैड़ियाँ ऊपर चढ़ेगी। वो अलग बात है, बाकी एक चैलेंज करेंगे भाई शाम के टाइम पे यहाँ पे आएंगे। शाम को बंद हो जाता है चैलेंज, अरे मतलब 5 बजे के आस पास, 5 बजे के बाद अंधेरा तो हो जाएगा लगभग। ऐसे छुपन छुपा खेल सकते हैं भाई। मोहित भाई, मोहित भाई बाहर निकल गए भाई अभी। इतना ऊपर भाई फोटो के लिए जा रहे हैं, फोटो अच्छी आएगी वहां से। वो देखो भाई उस तरफ अपना बस स्टैंड है, हालत टाइट होगी यार। ये देखो मतलब एक हाथ से भी ऊपर है, इतनी ऊंची पैड़ियाँ पैड़ियाँ पे। पहले के ज़माने तो 6 फुट के लोग होते थे, हम भाई यहाँ पर 5-5 फुट की जनरेशन। आजकल जो देख लो भाई कितनी दिक्कत हो रही है, और मेरे को तो वैसे ही दिक्कत है। सो भाई मतलब गुजरी महल के सबसे टॉप जो पोजिशन होती है मैं वहाँ पर पहुँच गया भाई। और ये रहा पीछे अपने तहखाना भाई, यहाँ पे सब कुछ तहखाने मतलब मुजरिम वगैरह रखे जाते थे। और वहाँ पे देख रहे होगे वो लाट की मस्जिद, अभी वहीं पे चलेंगे। बाकी इतने आप करो सिनेमैटिक एंजॉय। आपको बताऊं तो भाई वो BSF के जवान भी यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए। सो अभी चलते हैं वहाँ पे लाट की मस्जिद पे, वहाँ पे भाई पीछे जिंदल पार्क भी है, वो फिर हम आपको कभी किसी और वीडियो में दिखाएंगे। क्या नाम है छोटू भाई तेरा? सुधाकर। क्या बोला तूने? अरे वो आ रहा किस चीज का सुधाकर? तो भाई नाम सुधाकर है, और आगे देखो भाई ने सिद्धू मूसे वाले का फैन है। एक तो मैंने टाइम गलत चुना है भाई, गर्मी का टाइम है यहाँ पे, थोड़ा सर्दी में आना चाहिए मेरे को स्पेशली। पहले भाई वो पीछे आप देख रहे हो, दिख रहे पीछे वाला वो जो किला सा है, वहाँ पे राजा रानी रहते थे, और वहाँ पे जाने का रास्ता ना वहाँ से है वहाँ से अभी बंद किया हुआ है। सो आज दिखा नहीं सकते, वैसे वहाँ पे लोग घुसे तो हुए हैं, वो इलीगली घुसे हुए हैं। वहाँ वो रास्ता है ना वो भाई जिंदल पार्क है ना, उस साइड से आता है वो रास्ता। हम आ चुके हैं लाट की मस्जिद के पास, ये मस्जिद है भाई, वहाँ पे भी कुछ एरिया है, वो भी दिखाएंगे अभी आपको।
विराट की मस्जिद का जो है हिस्ट्री लिखी हुई है, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप पढ़ लेना। सो विराट की मस्जिद है भाई, बाबा जी की मस्जिद है। सो ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है देखा। ओए होए होए, ये क्या है भाई यहाँ पे, पता नहीं क्या है, शायद जेल ही होगी ये भी, बाकी पता नहीं क्या है। ओए होए, सो अभी बस एग्जिट कर रहे हैं, ये शायद यहाँ पे तालाब होगा चारों तरफ है ये। सो फैमिली, ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप सो आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, अगर आप भी आना चाहते हो तो भाई सार में मतलब मस्ट विजिट जगह है ये, आना जरूर, एक बार तो जरूर आना बनता है, और फैमिली के साथ भी आ सकते हो, उसमें कोई वाली बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाई अपने ये भाई है, इनको भी सपोर्ट करो भाई, इन दोनों का है ना चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ पर जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड भाई भाइयों को भी प्यार दो, और मुझे तो दो ही भाई है ना, सो भाई प्यार है दो। सो भाई इस व्लॉग को अगर यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्पोर्टिंग, साइनिंग ऑफ नैन फॉरएवर।